हाय एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का प्रभात ट्रेडिंग सर्विस में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो कि मंडे के सेशन में आपको अच्छा खासा रैली दे सकता है। तो उसी स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड दोस्तों, अगर आपने हमारी वेबसाइट पे अभी तक विजिट नहीं किया तो आप यहाँ पे जाके विजिट कर सकते हैं और यहाँ पे आप हमारे बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जानते हैं वो कौन सा स्टॉक है। जो स्टॉक है उसका नाम है पीवीआर। देखिए, पीवीआर को हमने क्यों सेलेक्ट किया है, क्या प्राइस एक्शन है, डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, हम सब समझेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, चलिए। हमने खोल लिया है पीवीआर का 30 मिनट का टाइम फ्रेम, राइट। हमने खोल लिया है पीवीआर का 2 आवर का टाइम फ्रेम, राइट। अब देखिए दोस्तों, 2 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, है कि नहीं। अब देखो क्या हो रहा है, बेसिकली क्या प्राइस एक्शन फॉलो कर रहा है। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताया था कि जो प्रीवियस रेजिस्टेंस होता है वो बाद में करंट सपोर्ट बन जाता है। तो देखो, पीवीआर का ये कोई एक ये जो लाइन, तो आप देख सकते हैं पीवीआर का ये जो रेजिस्टेंस है हमारा कितना है, 2067। ठीक है, 2067 मैं लिख देता हूं, 2067 रुपीज हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जहां से ये बार बार डाउन जाता था। ठीक है, जहां से बार बार पीवीआर नीचे आता था, राइट। एक बार क्या हुआ था, पीवीआर ने क्या कहते हैं, 13th of February को इसने ब्रेकआउट किया था। ठीक है, एंड ब्रेकआउट करने के बाद ये अच्छा खासा रैली दिया था। उसके बाद क्या हुआ है कि पीवीआर फिर से उसी लाइन पे आ चुका है। अब जो हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था, नाउ क्या बन गया है, ये हम इसको बोलते हैं सी एस, करंट सपोर्ट बन गया है। ठीक है, देखो दोस्तों, हमने कुछ मॉडल्स तैयार किए हैं तो वही हम आपको मॉडल्स यहां पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा करंट सपोर्ट बन गया है, राइट। अब इस करंट सपोर्ट पे, इस करंट सी एस पे पीवीआर ने कितनी बार सपोर्ट लिया है, आप खुद गिनिए, एक बार, ठीक है, यहां पे 2 बार और यहां पे 3री बार लिया था, लेकिन इसके नीचे ये क्लोज कर चुका है हल्का फुल्का। अब देखो, ये हमारे लिए संकेत है, समझदार व्यक्ति के लिए ये इंडिकेशन है स्टॉक का कि आपको इसको पता होना चाहिए कि अब ये कहाँ जाने वाला है। ठीक है ना, अब थोड़ा हम और इसमें इनडेप्थ चलते हैं। देखिए, अब क्या है, मंडे के सेशन में आपको क्या करना है, दैट मीन्स 24th of February के सेशन में आपको क्या करना है कि जब पीवीआर कितने के नीचे, 2068 के नीचे कंटिन्यूअसली एक कैंडल बना दे आवर्ली या 30 मिनट की। ठीक है, इसके नीचे जब कैंडल बन जाए, देखो अभी क्या है, अभी बिल्कुल ये बीच में है, यहां से टर्नराउंड हो गया था, लेकिन अगर इसके नीचे हमारा कैंडल बन जाए, देखो वैसे तो ये सेल में है ही, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कैसे सेल में है, तो लेकिन जब एक कैंडल और बन जाएगी ना 30 मिनट की या आवर्ली की, तो हमें और कंफर्मेशन हो जाएगा, तब हम बिना किसी से पूछे हम सेल कर देंगे इसको। कितने का स्टॉप लॉस के साथ, आपका स्टॉप लॉस होगा यही 2068 का आपका स्टॉप लॉस होगा, 68-69 का, जब तक इस लाइन के नीचे है। दोस्तों देखो, मेरा कहने का मतलब क्या है, दूसरे लोग आपको देते हैं एसएल, ठीक है, लेकिन मैं क्या बोलता हूं, इस लाइन के ऊपर क्लोज होगा तब निकलना है। आपको बता दूं, मैं लोगों का एसएल इसीलिए होता है, मैं आपको बता दूं, लोगों का एसएल हिट इसीलिए होता है कि वो लाइन पे बिल्कुल लाइन पे रखते हैं एसएल, ठीक है। और आपको पता है, अगर आप ऐसा करोगे तो स्टॉप लॉस ऊपर जाएगा हिट करके, फिर आपके डायरेक्शन में जाएगा। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम क्या कर रहेंगे, सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हमें क्या करना है, हमें इसका एसएल रखना है, हमें देखना है स्क्रीन पे, ठीक है। तो जैसे ही नीचे कैंडल क्लोज हो जाएगी, ये अच्छा खासा फिर शॉर्ट टर्म रैली दिखा देगा। कहां तक के लिए, मैं आपको बता देता हूं, फिर आपको ये नीचे डाउन साइड रैली दिखा देगा 2040-2030, मैं लिख देता हूं 2040, 2030 एंड 2020 तक के लेवल के लिए ये हमारा डाउन साइड दिखा देगा, ठीक है। हाँ, अगर अब हाँ अगर अब देखिए क्या है, इतने टारगेट आने के लिए इसके नीचे 2068 के नीचे एक अच्छा खासा रेड कैंडल क्लोज होना पड़ेगा। चलो, अगर हम बात करें कि क्या होगा अगर थोड़ा सा इसमें बाउंस मिले तो क्या करना है। देखिए, बाउंस मिले आपको घबराना नहीं है, पहली बात, आपका स्टॉप लॉस कितना है, 2090, ठीक है, मैं आपको एक लेवल दे रहा हूं, देखिए 2090,
2090 के नीचे जब तक है आप दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल देख के शॉर्ट सेल करते रहिए, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है। देखो मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि दो कंसेक्यूटिव रेड कैंडल का क्या पावर है। यू कैन फाइंड एवरी ट्रेड इन योर फेवर बाय टू कंसेक्यूटिव रेड कैंडल, ठीक है। तो अगर आपको 2090 के आसपास नीचे कमजोरी दिखाता है पीवीआर, यू कैन शॉर्ट। अगर ये बाउंस देता है, देखो अब ये क्या प्रकार का सिचुएशन शो कर सकता है, आपको भी दिखा देता हूं। अब देखो क्या प्रकार का सिचुएशन शो कर सकता है, मैं आपको दिखा देता हूं। दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा और जो भी नए मानो सब्सक्राइब करते रहिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। अच्छा अब क्या हो सकता है, देखो अब जरूरी नहीं कि मंडे को चले ही चले, ठीक है, हो सकता है एक थोड़ा रेंज में चल जाए, ठीक है, ये रेंज में हो जाए फिर नीचे ब्रेकडाउन दे, तो हमें इसको नजर पे रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं चला तो हमने क्या कहते हैं इसको रिमूव कर दिया, दूसरे स्टॉक को पकड़ लिया। देखिए मार्केट में लॉस होने का मेजर रीजन यही है कि लोग अपने स्टॉक पे फोकस नहीं करते, ठीक है। तो अपने स्टॉक पे फोकस कीजिए, राइट। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि चलो रेंज बाउंड हो जाएगा तब नीचे तोड़ेगा, राइट। अच्छा अब हम थोड़ा चलते हैं डेली के चार्ट पे कि डेली के चार्ट पे क्या इसने फॉर्म किया है, राइट। देखिए डेली के चार्ट पे मैं आपको अगर दिखाऊं, एक प्यारा सा इसने बियरिश एंगल्फिन कैंडल फॉर्म किया है, ठीक है, बियरिश एंगल्फिन, राइट। अब क्या है, दैट मींस इसने कैंडल को इमर्ज कर लिया है, दैट मींस अब जैसे ही इसका मंडे के डेट में लो टूटेगा, मैं आपको बता दूं ये 20 से 30 रुपया कब दे देगा आपको पता नहीं लगेगा, राइट। वही है, बस आपको इस पे नजर बनाए रखनी है। सो दोस्तों वीडियो को लाइक करते रहिएगा और जो भी नया मानो सब्सक्राइब करते रहिएगा हमारे चैनल को। तो आप समझ गए आपको क्या करना है पीवीआर में। और देखो क्या आपको मैं एक चीज और दिखा देता हूं। देखिए बेसिकली क्या हुआ है, मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, इसको थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। हाँ देखिए इस लेवल के ऊपर निकला था ये, राइट। अगर इसको और ऊपर जाना होता ये चला गया होता, ये वापस नहीं आता, राइट। इतनी जो बड़ी रेड कैंडल दिखी है इसका मतलब यही है कि अब जैसे ही ये लेवल टूटेगा इसमें फ्रेश डाउनसाइड मूव दिखाई देगी हमको, ठीक है, मैं आपको बता देता हूं इतना, राइट। और देखिए ये जिस पैटर्न में चल रहा था, मैं आपको देखो एक पैटर्न बताता हूं, ये देखो इस प्रकार की चीजें आपको कहीं और नहीं मिलेगी, मैं आपको इतना बता देता हूं। देखिए थोड़ा कैसे चल रहा है आपको दिखाता हूं मैं, देखिए ऊपर चल रहा था, ठीक है, सॉरी कैसे चल रहा था, देखिए आप ऊपर चल रहा था, पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला, पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला, पुल बैक लिया, फिर ऊपर चला, क्या किया, अब उसने उस पुल बैक का जो हमारा जो कंटिन्यूएशन था, कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकडाउन कर दिया है, जो हमारा कंटिन्यूएशन पैटर्न था उस कंटिन्यूएशन पैटर्न का ब्रेकडाउन कर दिया है, दैट मींस हमें इसको शॉर्ट सेल करना है। दोस्तों आई होप आप समझ रहे होंगे क्या क्या प्राइस एक्शन फॉलो हो रहा है इसमें, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। तो दोस्तों वाइंड अप करते हैं ये वीडियो। एक अनाउंसमेंट है, हमारा ऑफलाइन ट्रेनिंग बैच जो कि 23 तारीख को होने जा रहा है उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो कोई भी इंटरेस्टेड हैं आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है बताइएगा जरूर, ठीक है, और जो कोई भी सुझाव हो आपके मन में कृपया करके कमेंट कीजिएगा। जितना आप हमको लाइक करेंगे, जितना हमारी वीडियोज को लाइक करेंगे, हम आपके लिए इतना बढ़िया से बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट और लेके आएंगे, ठीक है। टिल देन प्यार बरसाते रहिए, और अगेन से आप सभी का 10,000 सब्सक्राइबर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए आप सबको गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद आप सबको।